मैं डॉक्टर आरपी सिंह होम्योपैथी चिकित्सक आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। आज मैं आपको क्रॉनिक किडनी रोग के कारण लक्षण उपचार बताने जा रहा हूँ। हमारे शरीर में दो किडनी होती है जिनका मुख्य कार्य रक्त को छानकर विषैले पदार्थ को मूत्र के द्वारा शरीर से बाहर करना है। इसके अलावा किडनी के अन्य कार्य भी होते हैं जैसे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना, शरीर के इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस करना, रेड ब्लड सेल की प्रोडक्शन को स्टिम्युलेट करना, जबकि किडनी विषैले पदार्थों को किसी कारण से बाहर निकालने में असमर्थ होती है तो उसे किडनी फेल होना कहते हैं। क्रॉनिक किडनी रोग में दोनों किडनी को खराब होने में महीनों से सालों तक समय लगता है। इसकी शुरुआत में दोनों किडनी की कार्य क्षमता में अधिक कमी नहीं होने के कारण कोई लक्षण दिखाई नहीं देते, किंतु जैसे जैसे किडनी ज़्यादा खराब होने लगती है क्रमशः मरीज की तकलीफ बढ़ती जाती है। क्रॉनिक किडनी के लक्षण। क्रॉनिक किडनी के लक्षण किडनी की क्षति की गंभीरता के आधार पर बदलते हैं। CKD को 5 चरणों में विभाजित किया गया है। किडनी की कार्य क्षमता के दर या EGFR के स्तर पर विभाजन आधारित होते हैं। EGFR का अनुमान रक्त में क्रिएटिनिन की मात्रा से पता लगते हैं। सामान्य EGRF 90 ml प्रति मिनट से ज़्यादा होता है। CKD का पहला चरण। क्रॉनिक किडनी डिजीज के पहले चरण में किडनी की कार्य क्षमता 90 से 100 प्रतिशत होती है। ऐसी स्थिति में EGFR 90 मिलीलीटर प्रति मिनट से ज़्यादा रहता है। इस अवस्था में मरीज की कोई लक्षण दिखने शुरू नहीं होते हैं। पेशाब में असमानताएं हो सकती हैं जैसे पेशाब में प्रोटीन आना, एक्सरे, MIR स्कैन या सोनोग्राफी से किडनी में खराबी दिखाई पड़ सकती है या CKD नामक बीमारी का पता लग सकता है। CKD का दूसरा चरण, इसमें EGFR 100 से 89 मिलीलीटर प्रति मिनट होता है। इन मरीजों में किसी भी प्रकार का कोई लक्षण नहीं पाया जाता, किंतु कुछ मरीज को रात में बार बार पेशाब जाना या उच्च रक्तचाप होना आदि शिकायत कर सकते हैं। इनकी पेशाब जांच में कुछ असमानताएं एवं रक्त जांच में सीरम क्रिएटिनिन की मात्रा थोड़ी बड़ी हो सकती है। क्रॉनिक किडनी रोग के मरीज में खून का दाब बढ़ सकता है। CKD के का तीसरा चरण, इसमें EGFR 30 से 59 मिलीलीटर प्रति मिनट होता है। मरीज अक्सर बिना किसी लक्षण के या हल्के लक्षणों के साथ उपस्थित हो सकता है। इसकी पेशाब जांच में कुछ असमानताएं और रक्त जांच में सीरम क्रिएटिनिन की मात्रा थोड़ी बढ़ी हो सकती है। CKD के चौथा चरण, क्रॉनिक किडनी रोग की चौथी अवस्था में EGFR में अर्थात किडनी की कार्य क्षमता में 15 से 29 मिलीलीटर प्रति मिनट तक की कमी आ सकती है। अब लक्षण हल्के और स्पष्ट और निश्चित हो सकते हैं या बहुत तीव्र भी हो सकते हैं। यह किडनी की विफलता और उससे जुड़ी बीमारी के मूल कारणों पर निर्भर करता है। CKD का पांचवा चरण, किडनी की 15% से कम कार्य क्षमता की पांचवी और बहुत गंभीर होती है। इससे EGFR अर्थात किडनी की कार्य क्षमता में 15% से कम हो सकती है। इससे किडनी की बीज की अंतिम अवस्था में भी कह सकते हैं। ऐसी अवस्था में मरीज को डायलिसिस या किडनी प्रत्यारोपण की आवश्यकता हो सकती है। मरीज में लक्षण स्पष्ट या तीव्र हो सकते हैं और उनके जीवन के लिए खतरा और जटिलता बढ़ सकती है। CKD के सामान्य लक्षण, खाने में अरुचि होना, उल्टी, उबकाई,
कमजोरी, महसूस होना, वजन कम हो जाना, पैरों के निचले हिस्से में सूजन हो जाना, प्रायः सुबह के समय आँखों के चारों तरफ और चेहरे पर सूजन आना, थोड़ा काम करने पर थकावट महसूस होना, सांस फूलना, खून में फीकापन, एनीमिया होना, किडनी में बनने वाली एरिथ्रोपोटीन हार्मोन में कमी होने से शरीर में खून कम बनना, शरीर में खुजली होना, पीठ के पिछले हिस्से में दर्द होना, विशेष रूप से रात के समय बार बार पेशाब जाना, याददाश्त में कमी होना, नींद में नियमित क्रम परिवर्तन होना, अचानक सिर में दर्द होना, मूत्र में रक्त आना, मूत्र का रंग हरा होना, मानसिक सतर्कता में कमी, दवा लेने के बाद भी उच्च रक्तचाप का नियंत्रण में न होना, स्त्रियों में मासिक में अनियमितता और पुरुषों में नपुंसकता का होना, किडनी में बनने वाला सक्रिय विटामिन डी का कम बनना जिससे बच्चों की ऊंचाई कम बढ़ती है और वयस्कों में हड्डी में दर्द होता है। अस्तंभ दोष, मांसपेशियों में ऐठन आना, मांसपेशियों में झंझनाहट, हाँफना, निदान, खून में हीमोग्लोबिन की मात्रा, पेशाब की जांच, खून में क्रिएटिनिन और यूरिया की जांच, किडनी की सोनोग्राफी, सीरम इलेक्ट्रोलाइट टेस्ट और किडनी फंक्शन टेस्ट। 40 की उम्र के बाद ब्लड प्रेशर डायबिटीज़ के मरीजों को ब्लड HbA1c की जांच करते हैं। होम्योपैथिक उपचार, एपिस मेलिफिका, पूरे शरीर में सूजन रहता है, खासकर आँखों और चेहरों पर सूजन रहती है, पेशाब में रुकावट होती है जिससे बार बार पेशाब जाने की इच्छा होती है, परंतु पेशाब कम मात्रा में होती है, प्यास नहीं लगती, पसीना नहीं आता, पेशाब में जलन होती है, पेशाब में एल्बुमिन की मात्रा बढ़ जाती है, रोगी को गर्मी सहन नहीं होती, कभी कभी पेशाब बिल्कुल बंद हो जाता है, सिर, कमर और हाथ पैरों में दर्द होता है, पेशाब में झाग और बदबू आता है। कैंथोरिस, पेशाब में जलन रहता है, पेशाब बूंद बूंद होता है, बार बार पेशाब जाने की इच्छा होती है, कभी कभी दो दो मिनट बाद ही जाना पड़ता है, पेशाब करने के पहले, करते समय और बाद में कटता हुआ दर्द होता है, जलन होती है, नेफ्राइटिस किडनी की सूजन में दी जाती है। प्लम्बम मीट, होम्योपैथिक मेडिसिन, पेशाब बार बार लेकिन कम मात्रा में आता है, पेशाब की स्पेसिफिक ग्रेविटी कम होती है, पेट में तेज दर्द होता है, यह दवा किडनी रोग को बढ़ने से रोकती है या क्रॉनिक इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस नामक बीमारी जिसमें किडनी के ट्यूब के बीच सूजन आ जाती है उपयोगी है। अपोसाइनम, होम्योपैथिक दवा, प्यास बहुत ज़्यादा लगती है, पेशाब कम आता है जिससे पूरे शरीर में सूजन रहती है, बेचैनी रहती है, बहुत ज़्यादा उल्टी होती है। टेरिविंट, होम्योपैथिक दवा, पेशाब में मीठी गंध आती है, पेशाब बूंद बूंद आती है जिसमें खून आता है और जलन होती है, या ब्राइट डिजीज, नेफ्राइटिस, एल्बुमिन आदि किडनी के सभी रोगों में बहुत उपयोगी है। पेट में किडनी की जगह धीमी धीमी दर्द होती है, चलते फिरते से तकलीफ कम होती है, गहरे रंग का धुआं छोड़ने वाला पेशाब आता है, यह किडनी रोग के प्रथम स्टेज में उपयोगी है। कोपेवा, यह खासकर महिलाओं की किडनी या पेशाब की समस्या के लिए उपयोगी है, पेशाब करते समय जलन होती है, बूंद बूंद पेशाब आता है, पेशाब करने की लगातार इच्छा होती है परंतु पेशाब नहीं आता, बदबूदार पेशाब आता है। आर्सेनिक एल्बम, होम्योपैथी दवा, यह दवा CKD के सभी चरणों में दिया जाता है, जब रोगी की त्वचा पीली हो जाती है और वह मोम के रूप में अधिक प्यास और दस्त विकसित करता है, त्वचा पपड़ीदार, सूखी और खुजलीदार होना, चेहरा सूजा हुआ, पसीने से तर देखना, अपने आप कम मात्रा में पेशाब आना जिससे जलन होती है, गहरा और एल्बुमिन मवाद
खून जाना, पेशाब के मवाद, पेट में कमजोरी होना, पेट में जलन होना, सांस लेने में कठिनाई, डिसप्लेसिया अटैक, मेहनत में थकन, आधी रात के बाद रोग का बढ़ना इत्यादि में बहुत अच्छा दवा है। नेटोम्यूर, लाइकोपोडियम, कार्बोफेज आदि दवाएं लक्षणों का आधार पर दी जाती है। धन्यवाद।